हेलो एवरीवन वेलकम टू नॉलेजियो आज के वीडियो में हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सी 2019 क्या है और इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं साथ ही इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि भारतीय नागरिकता लेने के लिए कौन कौन से तरीके हैं और हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि सिटीजनशिप होता क्या है वो लोग जो भारत में रह रहे हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं या तो वो सिटीजन हैं या फिर एलियंस हैं एलियंस वो हो गए जो फॉरेनर्स होते हैं और सिटीजन्स वो हैं जो किसी देश के पूर्ण सदस्य हैं और देश के प्रति निष्ठा रखते हैं उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं जैसे कि वोट देना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना और गवर्नमेंट जॉब्स करना और जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये दोनों एलियंस और सिटीजन्स के लिए लागू होता है लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं जो एलियंस के लिए लागू नहीं होते हैं वो हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। और सिटीजनशिप यानी नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंध को दर्शाती है और जो नागरिक नहीं हैं जो गैर नागरिक हैं उनको एक्सक्लूड करती है यानी बाहर करती हैं और माइग्रेंट्स भी दो तरीके के होते हैं लीगल माइग्रेंट्स और इ माइग्रेंट्स लीगल माइग्रेंट्स वो हैं जो प्रॉपर ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट और वीज़ा लेकर देश में एंटर करते हैं चाहे वो एजुकेशनल पर्पस के लिए एंटर करें टूरिज्म के लिए एंटर करें या फिर इकोनॉमिक पर्पस के लिए या फिर कोई और भी पर्पस हो सकता है और इ माइग्रेंट्स दो टाइप्स के होते हैं पहला वो जो देश में बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के बिना वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा के एंटर करते हैं और दूसरे वो जो वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ देश में एंटर तो करते हैं लेकिन वो परमिटेड टाइम से ज़्यादा रहते हैं यानी ओवर स्टे करते हैं नेक्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट टू सिटीजनशिप से डील करता है पार्ट टू में आर्टिकल फाइव टू अलेवन सिटीजनशिप के बारे में बताता है और जो आर्टिकल एलेवन है ये बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर्स को रेगुलेट कर सके यानी पार्लियामेंट लॉ बना करके ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सिटीजन citizen होगा सिटीजनशिप एक्वायर करने के और लूज़ करने के क्या तरीके होंगे नेक्स्ट हम सिटीजनशिप एक्वायर करने के तरीके देख लेते हैं तो पहला तरीका है बाई बर्थ अगर एक बच्चा भारत में पैदा हुआ उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन हैं या फिर एक पेरेंट इंडियन है और दूसरा वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है तो वो बच्चा बाय बर्थ इंडियन सिटीजन हुआ दूसरा है बाय डिसेंट अगर दोनों पेरेंट्स इंडियन हैं या फिर एक पेरेंट इंडियन है और बच्चा दूसरे कंट्री में पैदा होता है तो वो बाय डिसेंट इंडियन सिटीजन है और तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन अगर कोई इंडियन किसी फॉरेनर से शादी कर ले तो वो फॉरेनर अगर सात साल तक इंडिया में रहता है तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर सकता है चौथा है एक्विजिशन ऑफ फ़ॉरेन टेरिटरी। अगर इंडिया किसी विदेशी क्षेत्र को किसी फ़ॉरेन लैंड को एक्वायर कर लेता है तो उस टेरिटरी में रहने वाले लोग इंडियन सिटीजन बन जाते हैं फिफ्थ है नेचुरलाइजेशन अगर कोई इंडियन सिटिजनशिप लेना चाहता है और हमने जो सिटीजनशिप एक्वायर करने के चार तरीके पहले डिस्कस किए हैं उनमें किसी में फॉल नहीं करता है तो भी वो इंडियन सिटीजन बन सकता है कैसे नेचुरलाइजेशन के तरीके से उसके लिए उसे कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं पहला ये उसे भारत का सिटीजनशिप लेने से पहले प्रीवियस कंट्री के सिटीजनशिप को छोड़ना पड़ेगा और पिछले चौदह सालों में कभी भी लगातार ग्यारह साल तक उसे भारत में रहना पड़ेगा और इन सब के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसे इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए अगर वो इ माइग्रेंट है तो वो इंडियन सिटीजन नहीं बन सकता है देखिए दो एक्ट्स हैं पहला है फॉरेनर्स एक्ट 1946 और दूसरा है पासपोर्ट एक्ट 1920। इन दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग जो इन माइग्रेंट्स हैं उन्हें या तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जेल हो सकती है या फिर उन्हें डिपोर्ट कर सकते हैं 2015 और 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए उन्हें इन माइग्रेंट नहीं माना जाएगा वो कौन कौन से ग्रुप हैं तो वो हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसीज और क्रिश्चियंस तो इन लोगों के ऊपर जो फॉरनर्स एक्ट 1946 है और जो पासपोर्ट एक्ट 1920 है वो लागू नहीं होता है नेक्स्ट हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में डिस्कस करते हैं सी ए ए टू थाउजेंड को संसद में पास किया गया था जो तीन इस्लामिक कंट्रीज हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं जो रिलीजियस प्रसिक्यूशन यानी धार्मिक उत्पीड़न फेस कर रहे थे वो माइनॉरिटीज ग्रुप कौन कौन सी थी तो वो हैं हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसीज और क्रिश्चियंस। अगर वो माइनॉरिटीज ग्रुप 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में एंटर कर चुके हैं तो वो इलीगल माइग्रेंट्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे इसका मतलब ये है कि वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं या तो रजिस्ट्रेशन करके या फिर नेचुरलाइजेशन से और इस एक्ट के अकॉर्डिंग नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप के लिए भारत में जो उसका निवास रहा हो वो 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया है मतलब ये कि अगर वो 5 साल तक भारत में रहा है तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है और इसमें दो और प्रोविजंस हैं पहला ये ऐसे लोग भारत के नागरिक उसी दिन से माने जाएंगे जिस दिन वो भारत में एंटर किए थे और दूसरा प्रोविज़न है कि जो भी लीगल प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट में होगी वो खारिज कर दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के कुछ एक्सेप्शन भी हैं यानी ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं हो सकती है चलिए इसे भी देख लेते हैं तो सी ए ए असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा में अप्लाई नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्सथ स्कीड्यूल में आते हैं मतलब जिन्हें सी के माध्यम से सिटीजनशिप दिया जाएगा उन्हें उन एरियाज में सेटल नहीं किया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्सथ स्कीड्यूल में आते हैं और दूसरा एक्सेप्शन ये है कि जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के अंडर इनर लाइट परमिट एरिया है उस पर भी अप्लाई नहीं होगा इनर लाइन परमिट स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश मिजोरम और नागालैंड मणिपुर को भी इनर लाइन परमिट में लाया जाएगा इनर लाइन परमिट एरियाज वो होते हैं जहां दूसरे स्टेट के इंडियंस को भी जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है तो वहां पर सी ए ए अप्लाई नहीं होगा नेक्स्ट टाइम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल टू थाउजेंड के क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं चार दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 को यूनियन कैबिनेट ने पार्लियामेंट में पेश करने के लिए क्लैरिटी दे दी थी नौ दिसंबर को मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह द्वारा बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था 10 दिसंबर को बिल लोकसभा में पास किया गया था जिसमें 311 वोट्स उसके फेवर में पड़े थे और 80 वोट्स उसके अगेंस्ट में पड़े थे 11 दिसंबर को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पास हो गया था और उसके फेवर में 125 वोट पड़े थे और उसके अगेंस्ट में 105 वोट्स पड़े थे और 12 दिसंबर को प्रेसिडेंट के असेंट के बाद इस बिल को एक्ट का स्टेटस मिल गया था यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बन गया था तो ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत